और भाई जिंदगी छोटी है भाई, पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा? बहुत अच्छा हो गया हाँ। पहले मारपीट थी, मारपीट तो एक ही तरफ से थी हाँ, मतलब फिर उन्होंने कहा कि इतना बात मारा करो बेटा। तिलक वर्मा माय बॉय सीधा सेंचुरी मार दी एंड संजू सैमसंग माय बॉय इक्वल डक। मतलब संजू भाई का एक रिवाज बन चुका है, सेंचुरी मारेंगे वो भी दो दो मारेंगे, डक बनाएंगे वो भी दो दो बनाएंगे। बट हैप्पी फॉर तिलक वर्मा मैन, व्हाट अ प्लेयर, जगह मिली भाई ने सीधा सेंचुरी मार ली। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना भाई। तिलक वर्मा के तक 100 हो गए बट डेडमैन सेज के 100 के नहीं हो रहे, तो इसी बात पे कर लो सब्सक्राइब और आज लौंडो इंडिया साउथ अफ्रीका की मीम्स देखते हैं। संजू इन लास्ट 4 T20 सेंचुरी सेंचुरी डक डक। मुझे नहीं लग रहा आज हम मीम्स देखेंगे, मुझे लग रहा है आज हम किसी फैन बेस की गालियां सुनेंगे, ऐसा मेरे को फील बहुत आ रहा है। संजू सैमसंग लास्ट 5 T20 इनिंग्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है आउटसाइड इंडिया स्पेसिफिकली सुन लो, डक डक सो डक डक, ये मस्ट ट्यून बनेगी ना, डक डक सो डक डक, डक डक सो डक डक, डक डक सो डक डक। अगर यशराज मुखोटे सुन रहे भाई कुछ तो मतलब कोलैब कर सकते हैं अपन। बट इफ यू गाइस सी 20 का एवरेज बन रहा है, ठीक है 100 / 5 = 20 सही तो मैथ्स लग रहा हूं मैं या फिर ऐसे इंजीनियर बन गया? पैसा बर्बाद पे। बट माय पॉइंट इज 20 का एवरेज इज ओके T20s या फिर T10 में भी बुरी एवरेज है ये। संजू भाई यार रन्स मार लो, एक तो जैसे तैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक सेंचुरी मार के दो मैच सीधा चुप हो जाते हो आप। करंटली इस सीरीज में आपकी एवरेज कहाँ पे ड्रॉप हुई होगी? 33 के ऊपर, ऑलमोस्ट 33-34 विच इज गुड। बट अगर आप अगले मैच में 50 मार लो, वो मैच जीत गए इंडिया, तिलक वर्मा ने अच्छा खेला तो ये कोई भूलेगा ये सोचो ही मत। इसके मस्त कमेंट है, लगता है जस्टिस फॉर संजू वापस लिखना पड़ेगा, मतलब मेरे को टाइटल और थंबनेल मिलेगा 220 IQ डेडमैन बाबा। नीचे वाले की कमेंट इज फादर बी लाइक आई ब्लेम द बॉलर फॉर दिस, ये फादर सन वाला क्या सीन है मेरे भाई, कोई मेरे को समझाएगा? डेडमैन बाबा इस दुनिया से बाहर रहते हैं, टॉक्सिक कल्चर से मैं 3 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो मुझे समझाओ मैटर क्या हुआ है? बता। कोल्ड प्ले अनाउंसेस 4th शो इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्राउड वॉचिंग कोल्ड प्ले परफॉर्म येलो इन द स्टेडियम, रियलाइज इट्स नॉट द फर्स्ट। ये नवंबर महीने में ऐसी मनहूस मीम्स क्यों बनाते हो? आज क्या तारीख है? 14 तारीख चालू हो चुकी है, मतलब है 5 दिन में वो दिन आने वाला है, पहली एनिवर्सरी आ रही है। इसकी मस्त कमेंट है, Travis Head will be mystery guest और DJ कौन होगा? Pat Cummins होगा क्या? फर्स्ट इंडियन टू स्मैश कंसेक्यूटिव T20 सेंचुरीज रिकॉर्ड, फर्स्ट इंडियन टू गेट 5 ducks इन T20 इन अ सिंगल ईयर रिकॉर्ड। भाई विद प्रोज कम्स कॉन्स, प्रोज और कॉन्स मैंने दो अलग शब्द बोले, तूने दो को मिला के एक शब्द अपने दिमाग में बनाया है। अश्लील तू है, मेरा चैनल नहीं, माई चैनल इज बच्चा फ्रेंडली। तू सारा भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। बढ़िया भाई, देखो मैं तुम लोग को एक सिंपल बताता हूँ, रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड। बस हो गया यार, वो संजू सैमसंग के ऊपर मीम्स, उसने मार ली ना सेंचुरी, हो गया उसका काम इस सीरीज का। वो अभी अगले 10 मैचेस के लिए रिटेन हो चुका है इंडियन टीम से, ऐसा समझ लो। अभी दूसरे के ऊपर मीम्स बनाओ, ठीक है? एक प्लेयर को टारगेट करके मीम्स भेजते हो, फिर मेरे को बोलते हैं साला सेंचुरी मारी तिलक वर्मा ने, तेरा 90% वीडियो संजू सैमसंग के ऊपर। फिर मुझे समझाना पड़ता है कि ये एनालिसिस चैनल है ही नहीं, ये है बकलोली चैनल, मजाक मस्ती भरा चैनल। ये एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है वही मेरे को समझ में नहीं आता। ये शक्ल देखो, ये एनालिसिस वाली शक्ल लग रही है तेरे को? मेरे कॉलेज का वॉचमैन मेरे को सुबह सुबह सीरियसली नहीं लेता था, तू क्यों ले रहा है? शर्म करो, भगवान से डरो। 21 साल में यशस्वी ने सेंचुरी मारी, 22 साल में वर्मा ने मारी, गिल ने 23 में, सुरेश रैना ने 23 में, मतलब अभी अपना तो नहीं हो रहा। कुछ चीजें ऐसे होती है जो हाथ से चली जा चुकी होती है, ये भी अब नहीं हो रहा। क्या तुम कर सकते हो ये? क्या मेरी कमेंट्स में से कोई एक बंदा जाके ये रिकॉर्ड तोड़ेगा? घंटा तोड़ेगा। अभी वो बंदा सोफे के ऊपर बैठ के ऐसा मस्त मेमोरी देख रहा होगा। अभी तूने शर्म के मारे अपना एक पैर दूसरे पैर से हटाया ना, सच बता, शर्म करो सालो, कुछ तो करो लाइफ में। दिस इज अ मोटिवेशनल चैनल, लाओ मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर डेडमैन बाबा एक एक्सक्लूसिव गिव अवे रखने वाले हैं, जो भी उसमें मेहनत करेगा उसको प्राइज मिलेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइज टू बी गिवन अवे। आज एकदम अंग्रेजी निकल रही है, सो यार डू फॉलो मी अप ऑन टेलीग्राम, फॉलो मी अप जो भी पता है ना, टेलीग्राम पे आने लिंक के डिस्क्रिप्शन में। एंटर्ड इन द फर्स्ट ओवर व्हेन द ओपनर वेंट फॉर अ डक, ओके, बट स्टिल लास्ट ओवर एंड स्कोर्स अ सेंचुरी, गोस बैक नॉट अ तिलक वर्मा फॉर यू। इसमें मीम क्या था मेरे भाई? इसको मीम नहीं बोलते, इसको मैच की समरी बोलते। फिर लोग मेरे को बोलते डेडमैन सेज फनी नहीं है, फनी काय का होगा, दूसरों की मीम्स के ऊपर तो रिएक्ट कर रहे। मैं खुद को ही आजकल ज्यादा एक्सपोज करने लगा हूं क्या? आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर, ब्रो यू वर नेवर इन डेंजर, इन डेंजर इज संजू सैमसन राइट नाउ। संजू भाई अगले मैच में रन आने चाहिए, ट्रस्ट मी, वरना फिर से नारे लगने चालू हो जाएंगे। हम करते हैं प्रबंध। फर्स्ट बॉल ऑफ T20 करियर फॉर अ सिक्स, रमनदीप सिंह ने भाई पहला अपना T20 करियर का बॉल छक्का लगाया। तो वी हैव सीन दिस बिफोर, ऑफ कोर्स लॉकडाउन किड्स कैन 100% रिलेट, क्योंकि ये मैच लॉकडाउन में ही हुआ था। और ये लाल सीटों से मुझे याद आया गाइस, जो पिछले वीडियो में जो लोग लिख रहे थे तुम्हारे नाक से खून आ रहा है,
वो खून नहीं आ रहा है टेक्निकली। देखो मैं जब भी बीमार होता हूँ ना, बहुत ज्यादा बीमार, तब मेरे नाक से ऐसा हल्का हल्का खून टपकता है और वो ऐसे सूख जाता है। दैट्स नॉट रियल वाला खून, मतलब दैट्स रियल वाला खून बट दैट इज ड्राई वाला। अभी मैं ज्यादा बार वो वर्ड बोलूंगा ना तो ये वीडियो के लाले लग जाएंगे। यू सी व्हाट आई डिड देयर, रेड लाले। बट हाँ, ज्यादा कुछ सीरियस इशू है नहीं, कॉमन चीज है वो। पता नहीं मैं इन्फॉर्मेशन क्यों अपनी पर्सनल सब देता हूँ इंटरनेट पे। एक दिन ये इन्फॉर्मेशन ना मेरे को रोड पे लाएगी, देख लेना। ऐसे ही मोमेंट को देखने के लिए मैं क्रिकेट देखता हूँ। अरे बाप रे, आज एकदम होलसम मीम्स वगैरह, मतलब नो टॉक्सिक मीम। एक अच्छा मीम आया इस चैनल के ऊपर, बाप रे। सूर्य दूसरी जगह से निकला क्या? न्यूजीलैंड को हमने व्हाइट वॉश कर दिया क्या हमारे देश में? इंडिया ने 19 नवंबर को वर्ल्ड कप जीत लिया क्या? डेडमैन के 100 के हो, खैर छोड़ो, उस बात पे नहीं जाते अपन। बट भाई एक होलसम मीम आता है तो मेरी ऐसे एकदम ना छाती भर जाती है। छाती भर जाती है, जो भी भर जाता है, बट भर तो जाता है कुछ। दीज एम आई रिटेंशन फील्स इवन more scary now. World Cup winning captain, number one baller, all rounder, number one batsman currently, and now Tilak Verma. मैंने तो पहले ही जब वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट तो मुंबई की है। अब इस बात के क्या क्रेडिट्स लो मेरे भाई, आधे इंडिया ने यही कहा था। तो मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ जो बोलूंगा भाई मैंने तो कहा था, अबे पूरे इंडिया ने कहा था, उसमें तेरा क्या है। बट द थिंग इज, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुंबई इंडियंस की रिटेंशन कितनी भी कमाल, तुम कितने भी अच्छे प्लेयर्स क्यों ना ले लो, अगर टीम के अंदर वो केमिस्ट्री नहीं है तो वो नहीं है। 2022 की गुजरात टाइटंस किसने किया था कब जीतेंगे घंटा? ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जिनसे किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये आगे जाके कब जीतेंगी। इंडिविजुअल पावर से तुम मैचेस जीत सकते हो, टीम परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट जीते जाते हैं। अभी जाओ इस डायलॉग को लो और रील बनाओ और ऐसा मस्त गाने डालो। वो KGF का गाना बोल रहा था, थोड़ा लिरिक्स का लोचा है, समझ जाओ तुम लोग। चुप करे मैनेजर। 2 शतक 6 पदक। सॉरी भाई सॉरी भाई, आई लव यू संजू फैंस। सॉरी भाई सॉरी। अगला मीम देखते हैं, इस मीम के ऊपर मुझे कुछ भी नहीं कहना। फर्स्ट टेस्ट 7:50 को लगेगी, सेकंड टेस्ट 9:30, थर्ड टेस्ट 5:50, फोर्थ और फिफ्थ 5:00 बजे। देयर इज नो फिक्स टाइमिंग एज ऑस्ट्रेलियन सिटीज फॉलो डिफरेंट टाइम जोन। और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि अपन लाइव करेंगे हर टेस्ट मैच को, एटलीस्ट सेशन नंबर 2 और सेशन नंबर 3 हम साथ में देखेंगे लाइव वॉच अलॉन्ग। बट अब ये टाइमिंग देख के मुझे ही कुछ पता नहीं चल रहा। गाइस क्या हमें BGT पूरे लाइव करने चाहिए 5 टेस्ट मैचेस? देखो हर दिन खत्म होने के बाद मीम रिव्यू वो तो आ ही रहा है तुम्हारे लिए। व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्या हमें सुबह सुबह लाइव करना चाहिए? इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो कितने लोग उठने वाले हो वो भी बताओ, क्योंकि उठना तो पड़ेगा बाबा सुबह सुबह मैचेस देखने के लिए। हम उनमें से नहीं है जो हाईलाइट्स देख के मैच के बारे में ज्ञान देते हैं, हम बाबा लाइव मैच देखते हैं। वी आर नॉट लॉकडाउन किड्स। कितने लोग रिलेट कर पा रहे? 90% ऑडियंस तो नहीं कर पा रहा होगा। नहीं जस्टिस फैंस, nowadays वी आर बैक, इट्स ओवर, वी आर बैक, इट्स ओवर, वी आर बैक ऑन इंस्टाग्राम। deadman_v3 आज बाबा की नई रील आने वाली है, आज एक नया कैरेक्टर अनलॉक होने वाले है। क्रिकेट के ऊपर सिर्फ कॉमेडी रील्स आएंगी। deadman_v3 फटक से आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कम बैक करो तो बड़ा करो पुरुषोत्तम भाई, वरना ना ही करो। देखो अभी कोई तो बोलेगा तूने सेकंड मैच का मीम रिव्यू क्यों नहीं डाला। मैं ना अभी पैटर्न समझ चुका हूँ, जब भी इंडिया जीतती है वीडियो डालो, कितनी भी बुरी मैच हो वीडियो डालो, बुरी मैच एज इन मैच के क्वालिटी वाइज, कितनी भी घटिया मैच हो भाई वीडियो डालो। इंडिया 200 रन से वन साइड क्यों ना जीत जाए, जिम्बाब्वे क्यों ना हो सामने, वीडियो डालो। Whereas, अगर मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्रिकेटिंग टर्म्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच हो, पर अगर इंडिया हार गई हो वीडियो मत डालो, दैट्स द की। वरना मिलती है गालियां, जाता है जेब से पैसा और रिटर्न आता है तंबोरा। जो मराठी ऑडियंस है वो समझ गए होंगे। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, मतलब T20s में अपना काम खल्लास। ये काफी ज्यादा पीछे नहीं चले गए हम, पहले ही T20 पे चले गए क्या मीम रिव्यूज में? मार्को एंसन भाई, इस बंदे ने ना यहाँ तक जान ला के रखी थी। मतलब देखो टू बी ऑनेस्ट, हार जाते तो भी इतना कुछ फील ना होता। वर्ल्ड कप आ गया है ना, फिर हार जाओ तुम सब। 2024 तक ना सारी T20 हार जाओ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ खाली जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तब बाबा डेडमैन बाबा की रोस्टिंग चालू होगी। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था रोहित शर्मा फैंस के लिए, कि हम जब ODI सीरीज हारे श्रीलंका के अगेंस्ट, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ODIs अभी मैटर ही नहीं करते। वो बात अलग है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, बट ठीक है भाई, प्रिपरेशन में एक दो मैचेस हार जाना, सीरीज हार जाना, इट्स ओके। बट भाई टेस्ट सीरीज के लिए तुम्हें क्यों गालियां पड़ रही है? क्योंकि वो टेस्ट सीरीज मैटर करती थी। अब तुम बोलोगे साला वो पान पराग ऐसी वैसी सीरीज थी। ब्रो लेट मी टेल यू, दैट वाज अ हिस्टोरिक स्ट्रीक। और अगर तुझे हिस्टोरिक स्ट्रीक की नहीं पड़ी हुई है, लेट मी टेल
वैल्यू, वो पॉइंट्स मैटर करते थे। 36 पॉइंट्स अपने हाथ से चले गए, 36 पॉइंट्स ले गए वो लोग। आईसीसी टूर्नामेंट डैमेज हुई है, तो हाँ उसमें बोलना बनता है, यही मेरा एक्सप्लेनेशन था। फिर भी साला गालियां ही पड़ती है, क्यों डेडमैन सेज पता नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। Which team is this in IPL? On paper, on ground. By the way guys, मेरा last video RCB के ऊपर, अगर तुम लोग ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। बाकी Insta और Telegram के ऊपर आ जाओ, दोनों के लिंक से डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना टाटा।